नमस्कार दोस्तों। देख, आज हमारा के अनुपात समानुपात का चौथा भाग है और इस चौथे भाग पार्ट से पहले यदि के पहली तीनों पीरियड यदि आपने नहीं अटेंड की हो तो सबसे पहले के सर्च बॉक्स में विजय रघुवंशी चैनल डालकर ये अनुपात समानुपात के पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड डालकर तो उनके पार्टों को पहले देख लें क्योंकि उनमें के बेसिक उसमें दिया है। दूसरा, यहाँ पर यदि आपने क्या चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि इसमें क्या है डेली क्रम से यहाँ पर चैप्टर वाइज के वीडियो डालते हैं और सातों वीडियो देखने के साथ साथ आपके इन वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए। शेयर इसलिए कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को इनका लाभ यहाँ पर मिल सके। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या है, अब हम आगे यहाँ से बढ़ते हैं उसमें। ठीक है, तो आज का हमारा क्या पहला क्वेश्चन हमारा है जो स्क्रीन पर दिख रहा है तो उसमें यहाँ पर हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है 94 रुपये को दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 94 रुपये अपन जैसे उसमें टाइप नहीं हुआ है तो 94 रुपये को क्या है दो भागों में क्या है विभाजित किया गया है। तदनुसार पहले के पांचवे भाग और दूसरे के आठवें भाग का अनुपात कितना है, 3:4 है। तो पहला भाग कितना है, जैसे पहला भाग हमने यहाँ पर मान लिया ए है, ठीक है, दूसरा भाग हमने मान लिया क्या बी है। अब उसने बोल रखा है कि पहले के यहाँ पर क्या है पांचवे भाग, मतलब कि पहले का पांचवे भाग मतलब ए का पांचवा भाग यानी ए बटे पाँच। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या है दूसरे के पांचवे भाग तो सॉरी दूसरे के आठवें भाग यानी कि यहाँ पर बी का कितना, यहाँ पर आठवां भाग यानी बी बटे आठ का अनुपात, तो इन दोनों को हम क्या करते हैं अनुपात बना देते हैं। बराबर कितना दिए 3:4, तो बराबर सॉरी 3:4 यानी 3:4। ठीक है, ये हमको यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो पहला भाग हमको यहाँ पर निकालना है उसमें, तो इसमें देखें यहाँ पर ए बटे पाँच, ठीक है, और ए बटे पाँच फिर यहाँ पर क्या है ए बटे पाँच, ठीक है, और इसके बटे में क्या आएगा बी बटे पाँच, तो ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आठ ऊपर चला जाएगा और पाँच बी नीचे जाएगा। ठीक है, बराबर कितना यहाँ पर 3:4, तो बराबर 3:4। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ए बटे बी बराबर, ठीक है, तो 3:4 और 5:8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 8:5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5:8 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार यदि हम देखें तो ए बटे बी बराबर या ए अनुपात बी बराबर देखें तो यहाँ पर क्या कट तो नहीं रहा, यहाँ पर इसका मतलब 5 3 15 अनुपात कितना 8 6 32 यानी कि ए और बी का जो अनुपात है वो कितना यहाँ पर 15:32 है, यानी कि ए को 15 भाग मिलेगा बी को कितना 32 भाग मिलेगा। तो टोटल भाग देखें तो 32 + 15 करते हैं तो 47 आता है। इसका मतलब ये है कि जो भी टोटल राशि है जैसे उसने दी है कि टोटल राशि कितनी यहाँ पर क्या है 94, तो इस 94 रुपये को कितने भागों में बांट गया 15 + 32 यानी यहाँ पर क्या है 47 भागों में यहाँ पर बांट गया। 47 भाग कितना बना रहा है यहाँ पर 94, तो एक भाग मतलब 47 का यहाँ पर भाग देंगे और 47 का भाग देंगे तो 47 × 94 मतलब कितना आता है 2 आता है, यानी एक भाग कितने का है 2 का है और एक भाग 2 का है तो उसे चाहिए पहला भाग मतलब ए को कितना मिलेगा। तो ए को यदि हम देखें तो ए को चूंकि कितना मिल रहा है यहाँ पर देखें अनुपात में 15 भाग मिलेगा और एक भाग यदि 2 का है तो इसका मतलब 15 भाग यानी 15 × 2 यानी कितना आता है 15 × 30 यानी इसका मतलब ये है कि ए को कितना मिलेगा उस 94 रुपये में से 30 रुपये क्या है ए को मिल जाएंगे। यदि बी का पूछता है तो चूंकि बी को कितने 32 भाग मिल रहा है तो एक भाग 2 का है तो 32 भाग यानी 32 × 64 हो जाएगा बी का यदि पूछता है मतलब दूसरे वाले का। इस प्रकार हमारा आंसर इसमें आ गया इसमें। ठीक है, इसके बाद आगे देखें इसमें अगला क्वेश्चन हमारा है, देखें स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन दिख गया हम। तो एक धनराशि को एक्स वाई तथा जेड में 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के अनुपात में वितरित किया गया है। यदि एक्स को क्या है बाय से क्या है एक्स बाय से 500 रुपये अधिक पाता है तो कुल धनराशि क्या है, यहाँ पर क्या बता रहा है कि एक्स को बाय से 500 रुपये अधिक मिलते हैं
तो हमको क्या कुल राशि अपन को यहाँ पर प्राप्त करने है। तो सबसे पहले तो देखें यहाँ पर एक्स अनुपात बाय अनुपात यहाँ पर कितना दिए, जेड अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 दिए। तो सबसे पहले बटे में से 3, 4, 5 हटाना है, और 3, 4, 5 हटाना है तो इसका मतलब ये है कि इनके 3, 4, 5 का एलसीएम हम यहाँ पर ले लेते हैं, और जो भी एलसीएम आ उसी का इसमें गुणा कर देंगे। उसमें 3, 4, 5 के एलसीएम इन कितना आता है, 60 यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो 60 का गुणा तीनों में कर देंगे, ठीक है, या 3 का भाग 60 में दें तो कितना बनेगा यहाँ पर, क्या 20,000 का, ठीक है। फिर अनुपात इसके बटे में 4 है तो 4 का भाग 60 में देंगे तो 15 × 60 मतलब कितना 15 आ जाएगा, और इसी प्रकार 5 का भाग 60 में देंगे तो कितना आएगा 12 आ जाएगा, 12 × 5 = 60, ठीक है। इस प्रकार यदि हम देखें एक्स अनुपात बाय अनुपात जेड बराबर सीधा सीधा अनुपात बनाएं तो 20:15:12 है, यानी ए को 20 भाग, सॉरी एक्स को 20 भाग मिलेगा, बाय को 15 भाग मिलेगा और जेड को 12 भाग मिलेगा, ठीक है। अब उसने चूंकि दिया है, उसने यहाँ पर क्या क्वेश्चन में दिया है कि यदि एक्स जो है बाय से क्या 500 रुपये अधिक पाता है, ठीक है, एक्स बाय से 500 रुपये अधिक पाता है, और यहाँ से देखें यहाँ पर एक्स बाय से 500 रुपये अधिक पाता है, जबकि यहाँ से देखें एक्स को 20 भाग मिलेगा, बाय को 15 भाग मिलेगा, यानी एक्स को 5 भाग ज़्यादा मिलेगा, और 5 भाग ज़्यादा होने पर कितने रुपये ज़्यादा हुए यहाँ पर 500 रुपये ज्यादा हुए, तो इसका मतलब 5 भाग 500 से बना है, तो एक भाग कितने का हुआ यहाँ पर 100 का, और एक भाग 100 का हुआ तो उसने पूछा है कि कुल धनराशि, तो उसकी कुल राशि यदि हम देखें तो कुल राशि कितनी है 20 भाग + 15 = 35 भाग और + 12 यानी 47 भाग, तो कुल टोटल भाग कितने यहाँ पर 47 हैं, और एक भाग चूंकि यहाँ पर कितने का 100 का, इसलिए 47 भाग यानी कितने हुए यहाँ पर 4,700 का, यानी उस व्यक्ति के पास टोटल राशि कितनी है 4,700, उस व्यक्ति की टोटल राशि है उसमें, ठीक है। यदि दोबारा समय न हो तो क्या वीडियो को अपन के पीछे ले जा सकते हैं, यहाँ पर पीछे से ले जाकर दोबारा उसको समय लेना होगा, ठीक है। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन हमारा है, देखें इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दिया है स्क्रीन पर देखें, तो उसमें दिया है 3,781 वस्तुओं को 3 श्रेणियों में बांटे, 3 भागों में बांटना है। इस प्रकार बांट लें कि पहले भाग का 1/2, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 3/4 आपस में कैसे बराबर हैं, तो तीनों श्रेणियों में से वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना, मतलब पहली श्रेणी में कितनी है, दूसरे में कितनी है, चौथी में कितनी है, ठीक है। अब पहले तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 3 श्रेणी हमने जैसा मान ली कि पहली ए है, दूसरी श्रेणी यहाँ पर बी है और तीसरी श्रेणी यहाँ पर सी है, ठीक है। अब उसने बोला कि पहली का 1/2 भाग मतलब ए का 1/2 भाग यानी 1/2, ठीक है। फिर दूसरे का 1/3 भाग मतलब बी का 1/3 यानी 2/3, ठीक है। तीसरे का 3/4 भाग यानी सी का 3/4, तो 3/4 सी, ठीक है। आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, तो यहाँ पर आपस में क्या कर दें, इनको बराबर कर दें, ठीक है। तो तीन, इसके बाद हमको क्या निकालना है, तीनों श्रेणियों में निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए भी यहाँ पर यदि हम देखें तो इसमें भी ए बी सी का हम यहाँ पर अनुपात इसमें बना सकते हैं कि ए बी सी का अनुपात इसमें क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। और ए बी सी का अनुपात यहाँ पर बनाना है तो इस प्रकार का है, जो बेसिक का पहला वीडियो था उसको यदि देखा हो तो उसमें हमने बताया था कि इस प्रकार यदि बटे में क्या संख्या बराबर दे रखी है तो बेसिक वैसी यहाँ पर अनुपात में ही आती है। जैसे क्या है, 1/2 = b/3, इसको हम लिख सकते हैं 4/3, इस प्रकार हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, पूरी को बटे में चेंज कर लें। इस प्रकार 1/2 = b/3 = c/4/3 दिया है, तो इस प्रकार बराबर में दिया हो और बटे में संख्या दे रखी होती वो डाट अनुपात में ही होती है, मतलब उनका डायरेक्ट हम अनुपात बना सकते हैं। जो पहला वीडियो था उसमें बेसिक क्वेश्चन में इस प्रकार के क्वेश्चन निकल के आए थे, यदि वो ना देखा हो तो उसको सबसे पहले देख लें। तो इनका ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या बनेगा, 2:3:4/3। अब छोटी समस्या क्या है कि इसके बटे में 3 और है, इसका मतलब यह है कि 3 को हटाने के लिए इस पूरे में 3 का गुणा हम कर देते हैं। तो 3 का गुणा करते हैं, 2 में 3 गुणा करेंगे, 3 × 6 अनुपात, 3 का 3 में गुणा करेंगे, 9 अनुपात = 4, ठीक है। यानी इसका मतलब यह है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना आया, 6:9:4, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या आगे बढ़ सकते हैं, मतलब ए को 6 भाग मिलेगा,
बी को 9 भाग मिलेगा, सी को 4 भाग मिलेगा, टोटल भाग तो 4 और 9 13 6 19, तो 19 भागों में इसको बांटना। तो उसने दिया है कि टोटल कितनी वस्तु हैं, 3781 वस्तु हैं, जिनको कि हमको कितने भाग यहाँ पर क्या टोटल के टोटल वस्तु और यहाँ से टोटल देखें तो कितने भाग हैं यहाँ पर 19, क्योंकि तो यहाँ पर उसने बोला है कि कुल वस्तु यहाँ पर है 3781, इसलिए यहाँ पर भी हमको क्या देखें कुल भाग कितने हैं, तो यहाँ पर 19 है, तो 19 भाग 3781 बना रहा है। तो पहले एक भाग निकालेंगे मतलब 19 का भाग देंगे, 19 का भाग देंगे तो कितना है यहाँ पर क्या है 19 से कम 19, ठीक है, तो कितना बचे यहाँ पर क्या है, ठीक है 19 का इसमें क्या है भाग देते हैं यहाँ पर क्या, जिसका भी जो भी अपना आगा अपना आंसर उसमें आ जाएगा उसमें, ठीक है ठीक है। तो दे यहाँ पर सभी अपना अपना क्या भाग दें और उसको सॉल्व यहाँ पर क्या कर लें यहाँ पर, ठीक है तो 19 का इसमें भाग देने तो कितना आ जाएगा यहाँ पर क्या है 19 से कम 19, फिर यहाँ पर 19 नंबर और 19 नंबर मतलब कि 199 हो जाएगा, ठीक है, यानी एक भाग कितने का यहाँ पर 199 का है, और एक भाग 199 का है तो उसने पूछा तीनों श्रेणियों में जैसे ए को कितना मिलेगा, तो ए को यहाँ पर दिख रहा है कितना यहाँ पर 6 भाग, इसका मतलब एक भाग 199 का है तो 6 भाग, तो 6 का गुणा कर देंगे हमारा, ठीक है, यानी कितना आगा 6 नाम 54 और 5 59, 5 6 1 6 और 5 11, यानी 1194 ए को मिल जाएगा। इसी प्रकार बी का चाहिए तो एक भाग 199 का है, तो बी को चूंकि कितने भाग चाहिए 9 भाग, तो 199 गुणा 9 कर देंगे तो बी का निकल जाएगा। सी का चाहिए तो 199 गुणा 4 कर देंगे तो सी का निकल जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर आंसर उसमें आ जाता है उसमें, ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट जरूर लेकर चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं यहाँ पर, ठीक है, वीडियो पसंद आए तो उसको क्या है लाइक जरूर करते चले यहाँ पर, ठीक है। तो देखें यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा है उस पर कि 1655.90 को अमित विपिन चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपये पर विपिन को 3 रुपये मिले, तथा विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपये पर चंद्रा को 3 रुपये मिले, तो इसमें अमित का भाग कितना होगा ये हमको यहाँ पर निकालना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या इसमें देखें यहाँ पर अमित को जैसे हमने ए मान लिया, विपिन को बी मान लिया और चंद्रा को सी मान लिया, ठीक है। अब उसने जैसा बोल रखा है कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपये पर, ठीक है, यानी कि यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अमित को यदि 2 रुपये मिलते हैं तो विपिन को कितने मिलते हैं 3 रुपये मिलते हैं, यानी 3 मिलते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि ए अनुपात बी बराबर कितना है 2:3। फिर बोल रहा है तथा विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपये पर, यानी विपिन को यदि 4 रुपये देते हैं, ठीक है, तो चंद्रा को कितना मिलता है 3 रुपये मिलते हैं, यानी कि बी अनुपात सी बराबर कितना दिया है 4:3 दिया है, ठीक है। तो इसमें अमित का भाग क्या होगा जो हमको यहाँ पर निकालना है, तो इसका मतलब यहाँ पर देखें थोड़ा ये भी हमारा बेसिक फॉर्मूला हमने अटेंड किए थे पहले वीडियो में, तो ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, बी अनुपात सी बराबर कितना 4:3 है, तो पहले तो इन बी की वैल्यू दोनों में अलग अलग है, इनको समान करके इसका 1:1 में हमको इसको चेंज करना पड़ेगा, और 1:1 में चेंज करने के लिए जो भी कॉमन वैल्यू होती है उसका क्या कर देते हैं क्रॉस गुणा कर देते हैं, जैसे 4 और 3 का क्रॉस गुणा कर रहा है तो 4 × 2 = 8, ठीक है, 4 × 3 = 12, इधर भी करेंगे 4 × 3 = 12 और 3 × 3 = 9, यानी इसका मतलब ये है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना आएगा यहाँ पर 8:12:9, ठीक है, तो ये ए अनुपात बी अनुपात सी का मान यहाँ पर आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर उसने बोल रखा है कि यहाँ पर टोटल राशि कितनी है, ठीक है, उसने यहाँ पर हमसे बोल रखा है कि टोटल राशि कितनी यहाँ पर 1655 रुपये के 90 पैसे टोटल राशि यहाँ पर है उसमें, ठीक है, तो 1655 रुपये 90 पैसे मतलब 0.90, ठीक है, टोटल राशि और यहाँ से टोटल भाग कितने हैं, तो ए को कितना यहाँ पर 8 भाग, बी को कितना यहाँ पर 12 भाग और सी को कितना 9 भाग, 12, 8, 20 और 9, 29 भाग, तो टोटल भाग कितने यहाँ पर 29 है, तो 29 भाग कितने से बने यहाँ पर 1655.90 से बने, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या है 1655.90 में
कितने का भाग दे देंगे यहाँ पर, 29 का भाग हमें यहाँ पर दे देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसका यदि हम 29 का भाग यदि हम यहाँ पर देते हैं तो हमको यहाँ पर मिल रहा है यहाँ पर कितना, 57.1 यहाँ पर मिल जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि एक भाग कितने का, 57.1 का है। अब चूंकि हमें किसका चाहिए तो हमको चाहिए अमित, अमित मतलब ए की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू तो मतलब कि ए यानी कि ए को 8 भाग मिलेगा। अब एक भाग चूंकि कितने का है, 57.1 का है, तो 8 भाग इसका मतलब क्या है, 8 का अपन यहाँ पर क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं 57.1 में 8 का गुणा करते हैं तो हमको यहाँ पर मिल जाता है कितना, 456.8, ठीक है। यानी ए को कितना मिल जाएगा, 456.8 उसमें से मिलेगा। इसी प्रकार यदि हमको निकालना है कि बी यानी विपिन को कितना मिलेगा, तो विपिन को चूंकि यहाँ पर 12 भाग मिलेगा, तो एक भाग 57.1 का है इसलिए 12 भाग यानी 12 का गुणा कर देंगे विपिन का जाएगा। यदि चंद्रा का चाहिए यानी सी की वैल्यू चाहिए तो इसमें क्या है, 57.1 में कितने गुणा कर देंगे यहाँ पर, 9 का गुणा कर देंगे तो सी की वैल्यू यहाँ पर हम आ जाएगी इसमें, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ पर क्या है, लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर कर दो यहाँ पर, और इसके बाद आगे चलते हैं इसमें, ठीक है। देखें इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारा है, देखें उसमें दिया यहाँ पर, एक व्यक्ति 3,30,000 रुपये को अपनी पुत्री पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग और पुत्र का 1/5 भाग आपस में कैसे बराबर हैं, तो पुत्री का भाग हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो इसमें जैसे इसमें भी हमने जैसे क्या है, पुत्री को हमने जैसे मान लिया ए है, ठीक है, पुत्री, फिर उसके बाद दूसरे क्या है, पत्नी, तो हमने मान लिया कि पत्नी का जो भाग है बी है, और तीसरा क्या है, पुत्र है, तो पुत्र को हमने मान लिया कि यहाँ पर क्या है, सी है, ठीक है। अब उसने जैसे बोल रखा है कि पुत्री का 1/2 भाग यानी 1/2, ठीक है, पत्नी का 1/4 भाग मतलब 2/4, पुत्र का 1/5 भाग मतलब 3/5, परस्पर कैसे बराबर है, तो तीनों को हम आपस में बराबर कर देते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर इससे पहले क्वेश्चन किया जाता है कि इस प्रकार यदि बराबर हैं तो जो संख्या बटे में होती है वो डायरेक्ट अनुपात में यहाँ पर आ जाती है, तो और भी सरल है उसमें, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 2:4:5, ठीक है। इसका यदि बेसिक हल देखना हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी 2:3:2:4:5 कैसा आया, तो पहली वाली वीडियो को देख लेना, ठीक है। इसका मतलब यह है कि उसके पास जो भी राशि है उसमें से ए को 2 भाग मिलेगा, बी को 4 भाग मिलेगा और सी को 5 भाग मिलेगा। उसने चूंकि बोल रखा है उसके पास टोटल राशि कितनी है, 3,30,000 उसके पास टोटल राशि है, और यहाँ से कुल भाग देखे तो 5, 4, 9 और 2, 11, तो 3,30,000 रुपये है वो टोटल 11 भागों में बटेगी, मतलब ए को 2 भाग मिलेंगे, बी को 4 भाग मिलेंगे, सी को 5 भाग मिलेंगे, तो टोटल भाग 11 होगी। तो 11 भाग में यहाँ पर बांटने, तो पहले हम एक भाग यहाँ पर निकाल देते हैं, 11 3 33 पर 4 0 मतलब कि 30,000, यानी एक भाग कितने का है, 30,000 का है, और एक भाग यदि 30,000 का है तो उसने पूछा है पुत्री का, तो पुत्री मतलब पहला ए, यानी ए को कितने भाग मिलेंगे, 2 भाग, तो एक भाग 30,000 है, तो 2 भाग यानी 30 × 60,000 यानी पुत्री यानी ए को कितना मिल जाएगा, 60,000 रुपये ए को मिलेगा। यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर इसमें आ गया। यदि हमसे यहाँ पर क्या है, पत्नी यानी बी का पूछा होता तो कितना यहाँ पर, 4 भाग मतलब क्या है, 1,20,000 हो जाता। यदि हमसे यहाँ पर पुत्र यानी सी का पूछा होता तो 5 भाग मतलब 30 × 5 150 यानी 1,50,000 हमारा आंसर हो जाता।